गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, अपने अंग्रेजी को डेकोरेटिव, अफेक्टिव और इम्प्रेसिव बनाने की श्रृंखला में फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने। बहुत ही नया टॉपिक है और मोस्टली आपने सुना तो होगा, वैसे न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, मैगजीन में पढ़ा होगा या किसी के मुंह से सुना होगा, लेकिन आपने बहुत कम इस्तेमाल किया होगा मुझे ऐसा लगता है। तो क्यों ना आज हम लोग उस टॉपिक को पढ़ें और समझें कि उसका इंग्लिश में इस्तेमाल कैसे करें, उसके स्ट्रक्चर कैसे होंगे और उसको अंग्रेजी की सेंटेंस में कहां रखें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लिखा हुआ है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब यहां पर संगीत से इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका मतलब हो रहा है कि परिणाम भुगतना, नानी याद आना या खामियाजा भुगतना, इतने अर्थ हो रहे हैं दोस्तों। तो इसको अगर हम लोग अंग्रेजी में इसकी व्याख्या करें तो अंग्रेजी में इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट फॉर समथिंग यू हैव डिड या यू हैव डन। जो कुछ आपने कोई काम किया है उसका परिणाम भुगतना, वो काम अधिकतर गलत काम के सेंस में अलग यूज किया जाता है कि अगर आपने ग्लास तोड़ दिया अपने घर का तो यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक, तो मम्मी तुम्हें मारेगी और मारेगी, इतना मारेगी कि शायद तुम्हारे पिटाई की वजह से वहां से संगीत की उत्पत्ति होगी, इसलिए ये शायद ऐसा बना होगा, मुझे ऐसा लगता है। फेस द म्यूजिक का मतलब ये होता है कि जब उसको मार पड़ती होगी तो उसमें से जो संगीत निकलता होगा, तो फेस द म्यूजिक, यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक, पिटाई पड़ेगी, डंडे पड़ेंगे तो आवाजें तो आएंगी आएंगी, इसलिए हम लोग उसको फेस द म्यूजिक कहते होंगे। मैं ये मेरे दिमाग की उपज है, शायद इसकी ओरिजिन ऐसी हुई होगी, आई थिंक। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करना, कन्फ्रंट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वन्स एक्शन, किसी एक्शन के परिणाम को का सामना करना, यानी परिणाम का सामना करना कह सकते हैं, जो हमने काम किया है उसके परिणाम का सामना करना। अधिकतर गलत काम के लिए हम लोग यूज करते हैं बेटा तुम्हें भुगतना पड़ेगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा वगैरह वगैरह, तुम्हारी नानी याद आ जाएगी तुम ऐसा करोगे तो, और तुम्हें परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो क्यों ना इसका इंग्लिश में कुछ हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं और समझते हैं। पहला है कड़ी मेहनत करें नहीं तो तुम्हें खामियाजा भुगतना होगा। यस, हम लोग सामने वाले को आगाह कर रहे हैं, वर्क हार्ड और यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक, दैट्स ऑल। बहुत इजी, कुछ नहीं है, सामने वाले को सचेत करना है और ये कहना है कि नहीं तो तुम्हें अपनी नानी याद आ जाएगी, नहीं तो तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा, तैयार हो जाओ अब इस बात के लिए, ऐसा करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, यू आर लेट, आई एम श्योर यू विल फेस द म्यूजिक, तुम लेट हो, मुझे पूरा भरोसा है आप परिणाम भुगतोगे। हम लोग ऑफिस के लिए लेट हो जाते हैं, कोचिंग क्लास के लिए, स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं, तब हमारा दोस्त हमसे कहता है यू आर लेट, आई एम श्योर यू विल फेस द म्यूजिक, आज तो बेटा तुम्हें नानी याद आएगी, आज पक्का तुम्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा, तुम्हारे लेट होने का जो परिणाम ये भुगतना पड़ेगा, तुम्हें आज दंड मिलेगा, सजा मिलेगी, इस प्रकार का हम लोग कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लास्ट ईयर आई हैड टू फेस द म्यूजिक व्हेन आई फेल्ड, पिछले साल मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा जब मैं फेल हो गया। यस, पिछले साल मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा जब मैं फेल हो गया। लास्ट ईयर आई हैड टू फेस द म्यूजिक व्हेन आई फेल्ड, सूनर और लेटर यू आर गोइंग टू फेस द म्यूजिक, कभी ना कभी तुम खामियाजा भुगतने वाले हो, कभी ना कभी तुम खामियाजा भुगतने वाले हो। यस, ऐसा कह सकते हैं। आगे देखते हैं, इफ यू लाइड टू मी, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला, इफ यू लाइड टू मी, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला, यू वुड फेस द म्यूजिक, तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तुम खामियाजा भुगतोगे, तुम परिणाम भुगतोगे, तुम्हें नानी याद आ जाएगी, या नाउ आई एम रेडी टू फेस द म्यूजिक, अब मैं परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूं, अब मैं खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हूं, आप मुझे दो सजा देना चाहें दे सकते हैं। यस दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब अगली बार जब भी आप लोग स्पीकिंग करेंगे तो सामने वाले को सचेत करना चाहते हैं, तब आप याला वर्ड का यूज कर सकते हैं, तो हो सकता है कि ये वर्ड सुनकर बहुत खुश हो जाए सामने वाला व्यक्ति, और आप भी अपनी अंग्रेजी को डेकोरेटिव, अफेक्टिव और इंप्रेसिव बना सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।
स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप. दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको आज का जो वीडियो था, आप आज का जो टॉपिक था, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, बहुत मजेदार है, ज्ञानवर्धक है, नॉलेजेबल है, फनी है, इंटरेस्टिंग है, सब कुछ है. दोस्तों इसके बाद, ये तो सारी बातें हम लोग अपने तरफ से कर देते हैं, इसके बाद आपका काम चालू होता है कि आप इस टॉपिक को और कितना मजेदार बनाते हैं और कितना इंटरेस्टिंग बनाते हैं. इट इज अप टू यू. तो दोस्तों चालू हो जाइए, प्रैक्टिस जम के करें, बहुत सारे इसके नए नए सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, वर्ड्स को बदल बदल कर, वर्ब्स को बदल बदल कर, सेंटेंस की थीम को बदल बदल कर सेंटेंस बनाइए और अगले वाले व्यक्ति के सामने परोसिए, बिल्कुल परोस दीजिए दोस्तों उसके सामने, और देखिए वो व्यक्ति कितना खुश हो जाता है और आप अपनी अंग्रेजी को डेक्रेटिव बनाने में सफल हो जाते हैं. तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करें और बहुत सारे लोगों को शेयर करें दोस्तों, जिससे हर कोई इस प्रकार की अंग्रेजी बोलने को तैयार हो जाए. और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ और आपके डाउट के साथ. धन्यवाद, थैंक यू.